हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी आईक्यू दोस्तों लैब टेक्नीशियन एम्स की क्वेश्चन सीरीज में आज हम देखेंगे टेन मोस्ट इम्पोर्टेंट लैब एम्स की क्वेश्चनों को दोस्तों हम आपको बता दें ये लैब टेक्नीशियन एम्स की क्वेश्चन सीरीज की थर्टी एट वीडियो है इससे पहले थर्टी सेवन वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं जो आप हमारे चैनल प्लस स्टडी आई क्यू की जो प्ले लिस्ट है लैब टेक्नीशियन एम्स की क्वेश्चन सीरीज की उस पर जाके आप देख सकते हैं तो चलो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा स्टोरेज ऑफ ब्लड बैग बिलो टू टू एट डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग कॉसेज तो दोस्तों अगर हम ब्लड बैग को दो से आठ डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर अगर स्टोरेज करते हैं तो क्या कॉस करेगा ये पूछा गया है तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे इंक्रीज डब्ल्यू बी सी काउंट्स बी ऑप्शन है इंक्रीज आर बी सी काउंट सी ऑप्शन है इंक्रीज प्लेटलेट काउंट्स और डी ऑप्शन है यहाँ पे हीमोलाइसिस ऑकर्स तो दोस्तों जब भी हम ब्लड बैग को दोस्तों दो से आठ डिग्री सेंटीग्रेड के कम नीचे टेम्परेचर पर हम फ्रीजिंग करेंगे तो वो दोस्तों हीमोलाइसिस यहाँ पे ऑकर्स करेगा यानी डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नॉर्मलिटी इज एक्सप्रेस्ड आज तो दोस्तों जो नॉर्मलिटी होती है वो क्या एक्सप्रेस्ड करती है तो यहाँ पे ऑप्शन ए देखेंगे ग्राम्स पर लीटर बी ऑप्शन है ग्राम्स इक्विवेलेंट पर लीटर सी ऑप्शन है मोल्स पर हंड्रेड ग्राम्स और डी ऑप्शन है ग्राम्स पर लीटर तो दोस्तों जो नॉर्मलिटी यहाँ पर क्या एक्सप्रेसड करती है तो ये करती है दोस्तों ग्राम्स इक्विवेलेंट पर लीटर यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों व्हाट इज दी फंक्शन ऑफ एटीपी तो दोस्तों एटीपी के फंक्शन के बारे में पूछा गया है एटीपी का फंक्शन क्या होता है तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए है मैसेज कैरियर का बी ऑप्शन है स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट एनर्जी का सी ऑप्शन है मैक प्रोटीन्स का और डी ऑप्शन है ब्रेक डाउन सुगर्स का तो दोस्तों व्हाट इज़ दी फंक्शन ऑफ एटीपी एटीपी का फंक्शन क्या होता है तो इसका फंक्शन होता है दोस्तों स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट एनर्जी का ये एटीपी टी यानी इसका फुल फॉर्म होता है एडी नाइन ट्राई इसका जो मेन फंक्शन होता है दोस्तों ये एनर्जी को स्टोर करता है और एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है तो बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्लोराइड इनिवेट दी फ्लिंग द ब्लैंक्स एनजाम्स इन ग्लाइकोलाइसिस तो दोस्तों यहाँ पे फ्लोराइड यहाँ पे किस एंजाइम को यहाँ पे इनिवेट कर देता है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के दौरान तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे एनोलेज एंजाइम को बी ऑप्शन है सिस एकोटिनेट एंजाइम को या सी ऑप्शन है आप दोस्तों सक्सीनेट थियोकाइनेज को या फिर डी ऑप्शन है एल्डोलेज को तो दोस्तों फ्लोराइड जो ए एंटीकॉगलेंट हम यूज करते हैं शुगर बायल में तो वो किसको को यहाँ पर इनिवेट कर देगा कौन से एंजाइम को यहाँ पे इनिवेट कर देगा ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के दौरान तो ये कर देता है दोस्तों एनोलेज एंजाम को ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा ये एनोलाइज एंजाइम को फ्लोराइड जो एंटीकोगुलेंट इनिवेट कर देता है दोस्तों जिससे ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती है और जिसमें जिसके कारण से शुगरस का यहाँ पे लेवल फैल नहीं हो पाता है और जितना शुगर का लेवल ब्लड में होता है उतना ही यहाँ पे बना रहता है तो ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों बिलरोबिन इज़ नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन तो दोस्तों किस कंडीशन में बिलरोबिन यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होता है तो ये पूछा गया है तो ए ऑप्शन है ऑब्सट्रक्टिव जॉन्डिस की कंडीशन में बी ऑप्शन है हेपेटिक जॉन्डिस की कंडीशन में सी ऑप्शन है हीमोलाइटिक hem जॉन्डिस की कंडीशन में और डी ऑप्शन है थ्री तो दोस्तों यहाँ पे जो बिल्डरबिन इज नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन तो दोस्तों जो हीमोलाइटिक जॉइडिस की कंडीशन में दोस्तों बिलरोबिन यूरिन में एक्सक्रीटेड नहीं होता है यानी सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे राइट होगा ऑब्स्टक्टिव ज्वाइनडिस और हेपेटिक ज्वाइंटस में दोस्तों यहाँ पे बिल्रोबिन एक्सक्रीटेड होगा यूरिन में तो सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है दोस्तों माल्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स तो दोस्तों माल्टोज के हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलता है हमें ऑप्शन देखेंगे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बी ऑप्शन है ग्लूकोज प्लस सुक्रोज सी ऑप्शन है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज और डी ऑप्शन है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज तो दोस्तों माल्टोज को अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं उसके हाइड्रोलाइसिस से दोस्तों हमें ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल यहाँ पे प्राप्त होते हैं यानी सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है विच इज़ बेस्ट स्टैंड फॉर रेटिकुलोसाइट काउंट तो दोस्तों रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए बेस्ट स्टैंड कौन सा होता है यहाँ पे पूछा गया है तो ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन ए है एल्सियन ब्लू स्टेन बी ऑप्शन है ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू सी ऑप्शन है टॉलिडीन ब्लू और डी ऑप्शन है न्यू मिथाइलिन ब्लू तो दोस्तों जो रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए जो हम बेस्ट स्टेन यूज करते हैं वो है दोस्तों न्यू मिथाइलिन ब्लू यानी डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनुलिन इज तो यहाँ पे इनुलिन क्या है दोस्तों ये पूछा गया है क्या ऑप्शन ए है लिपिड बी ऑप्शन है प्रोटीन सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट डी ऑप्शन है विटामिन तो दोस्तों इनुलिन इज द कार्बोहाइड्रेट दोस्तों इनुलिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है तो यानी सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है दी बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पैलमेटिक एसिड प्रोवाइड्स ए तो दोस्तों यहाँ पे जो पैल पैलमेटिक एसिड का अगर हम बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो कितनी ए हमको प्रोवाइड करता है ये पूछा गया है ऑप्शन ए है आई एट ए बी ऑप्शन है थर्टी एट ए और सी ऑप्शन है दोस्तों वन ट्वेंटी नाइन ए टी पी और डी ऑप्शन है वन फोर्टी सिक्स ए टी पी तो दोस्तों अगर हम पैलमेटिक एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं दोस्तों तो उससे हमको एट ए टी पी प्राप्त होती है यानी ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है सिड्रो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉमनली तो दोस्तों यहाँ पे सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में आ, यहाँ पे आर की साइज के बारे में पूछा गया है आर की साइज कैसी हो जाती है तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं माइक्रोसाइटिक हो जाती है या माइक्रोसाइटिक हो जाती है या नॉर्मल नॉर्मोसाइटिक होती है या स्पेरोसाइटिक होती है तो दोस्तों जो सीड्रोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में कॉमनली हमको माइक्रोसाइटिक यहाँ पे दोस्तों आर बी सी यहाँ पे फाइंड आउट होती है तो दोस्तों यहाँ पे माइक्रोसाइटिक ये कंडीशन में शिड्रो प्लास्टिक एनिमिया कॉमनली दिखाई देगा दोस्तों तो बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फ्रेंड्स